हाय, मैं हूँ तुषाबा और आप देख रहे फंडू कंटेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस 12 के घर के बारे में। बिग बॉस 12 का घर काफी रोमांचक और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और साथ ही साथ सारे घर वालों के नए चेहरे बाहर आ रहे हैं। इसी चीज का एक उमदा एग्जांपल है श्रीशांत। श्रीशांत जब घर में आए थे बहुत ही सहमे हुए और डरे हुए लगते थे। वो हर बात पे रो देते थे और हर बात पे टास्क गिव अप कर देते थे। हालांकि वो अभी भी हर बात पे रोते हैं पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वो हर टास्क स्ट्रेटजी से जीत जाते हैं। अब श्रीशांत कहला रहे हैं बिग बॉस 12 के एंटरटेनर। चलिए हम आपको 5 रीजन देते हैं बिग बॉस 12 के एंटरटेनमेंट श्रीशांत क्यों कहलाते हैं। सबसे पहला रीजन, श्रीशांत अपने दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल करते हुए हर टास्क को स्ट्रेटेजाइज करके जीत जाते हैं और पूरा गेम उनके हिसाब से चलाते हैं। दूसरा रीजन ये है, श्रीशांत जो भी टास्क करते हैं उस चीज में जरूर ड्रामा होता ही है और बिग बॉस 12 के घर से सब लोग ड्रामा ही तो एक्सपेक्ट करते हैं। रीजन नंबर 3, श्रीशांत ने अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन बना के रखा है और घर के सारे लोग श्रीशांत को मनाने में लग जाते हैं और इसी तरह से श्रीशांत जो चाहते हैं वो ही होता है घर में। रीजन नंबर 4, श्रीशांत अपना इमोशंस बाहर रखने में जरा भी नहीं चूकते हैं। बाकी घर वालों को आप देखेंगे तो कोई ना कोई हिचकिचाता है अपने इमोशंस बाहर रखने के लिए, पर श्रीशांत ऐसा नहीं करते हैं। श्रीशांत अपने सारे इमोशंस अच्छी तरह से बाहर रखते हैं। रीजन नंबर 5, हमें ऐसा लगता है श्रीशांत ने एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया हुआ है और स्टार्टिंग से लेके अभी तक सब चीज उनके हिसाब से चल रही है और अगर उनका गेम प्लान उसी तरह से चलता रहे तो आगे भी हर चीज उनके हिसाब से चलेगी, शायद वो इसी तरह से बिग बॉस 12 भी जीत जाए। तो चलिए, हमने आपको 5 रीजन बता दिए कि श्रीशांत इस घर के थ्रू एंटरटेनर क्यों है। अब आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और जरूर फंडू कंटेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।